स्वागत है आप सभी को मेरे सुपर हिट यूट्यूब चैनल पे। आज का मेरा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक काम क्या है? कंप्यूटर का बेसिक काम में सबसे पहला काम आता है इनपुटिंग, किसी भी डेटा को इनपुट करना, किसी भी डेटा को इनपुट करना। दूसरा काम होता है स्टोरिंग, यानी कि स्टोर करना किसी भी डाटा, जब हम कंप्यूटर में कमांड देते हैं उस डाटा का स्टोर करना और उसको प्रोसेसिंग करना, यानी कि प्रोसेस में लाना, ओके। और आउटपुट यानी कि प्रोसेसिंग करके उसका हमें रिजल्ट देना आउटपुट के रूप में, और कंट्रोल करना, ठीक है। जैसे कि मैंने कंप्यूटर में कमांड दिया एप्पल, एप्पल का मुझे हिंदी मीनिंग चाहिए, ओके। तो मैंने कमांड दिया यानी कि कंप्यूटर अपने अंदर इसको इनपुट किया, ओके, स्टोर किया, फिर प्रोसेसिंग करके, काम को प्रोसेस करके मुझे आउटपुट के रूप में जो रिजल्ट दिया उसे हम आउटपुटिंग बोलते हैं, ठीक है। और सारी चीजों को कंट्रोल करना कंप्यूटर का काम है। ये बेसिक पांच काम है कंप्यूटर का। वैसे तो बहुत सारे काम है लेकिन बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर यानी कि ये सब बेसिक काम है कंप्यूटर का। जैसे हम मान लेते हैं कि मुझे ये रहा मेरा कंप्यूटर, मुझे एप्पल का हिंदी मीनिंग चाहिए, ओके, और मैंने अब इसके अंदर इनपुट किया और मुझे आउटपुट के रूप में रिजल्ट दिया, और ये जो आउटपुट के रूप में बनाता है, मैंने कमांड दिया क्या इंग्लिश में एप्पल, मुझे रिजल्ट क्या मिला हिंदी में सेब। ये बीच का कन्वर्टर जो होता है कन्वर्ट करता है इंग्लिश मीनिंग को हिंदी में, या फिर किसी भी डेटा को स्टोर करके प्रोसेसिंग करके आउटपुट के जो रूप में रिजल्ट देता है उसे हम कंपाइलर भी कहते हैं, ओके। बीच का जो काम करता है उसे हम कंपाइलर कहते हैं, जो मुझे इनपुट को आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है जिसे हम कंपाइलर कहते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।